तो गाइस यार आज हम लोग जाने वाले अपने घर के लिए खतरनाक वाला टॉयलेट खरीदने के लिए। अरे सुमित भैया कहाँ पर जा रहे हो खरीदने के लिए? अबे यार मैं नहीं कोई शोरूम के अंदर जा सकता खरीदने के लिए, इसलिए तुम्हारा भाई आया है सबसे सस्ती जगह इलीगल मार्केट। अरे सुमित भैया दिल्ली मार्केट? अबे हाँ उसके जैसा ही है यार, यहाँ पर सभी बहुत ज्यादा सस्ते सस्ते टॉयलेट मिलते हैं। अरे सुमित भैया फिर वो ऐसे ही मिलेंगे, अब आते एकदम सोने वाला लेने आए थे ना। हाँ तू ही अंबानी का भाई। अरे सुमित भैया ऐसे मत करो, अबे तू यहाँ पर देख टॉयलेट वाला कहाँ पर रही है, रही है एक सेकंड यहाँ साइड में लगा देता हूँ। अरे सुमित भैया किसी की दुकान में घुसोगे क्या? अबे नहीं 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 चलो गाइस यार ये रहा टॉयलेट वाला। और भाई इसके पास सामान देख रहे हो कितना सारा है, टॉयलेट पेपर भी है और यहाँ पर टॉयलेट भी काफी सारे। अरे सुमित क्या कमाल की चीजें यहाँ पर। हाँ टॉयलेट तो तेरे को कमाल का ही लगता है ना। अरे सुमित भैया टॉयलेट के अंदर टट्टी करने में जो मजा आता है वो और कोई चीज में नहीं आता। गाइस तुम्हें भी ऐसा लगता है? और क्या गाइस, अब चुप ही रहे तू, तो मैं तो टॉयलेट लेता हूँ, तू बकवास कर मैं टॉयलेट लेता हूँ जाकर। हेलो भाई साहब कौन है यहाँ पर शॉपकीपर? हाँ भाई साहब मैं हूँ, क्या चाहिए तन्ने? अरे यार भाई मेरे को एक टॉयलेट खरीदना था मेरे घर के लिए। अरे भाई साहब आप तो लेट हो गए। क्यों अंकल, थोड़ी देर पहले क्या फ्री में छोले भटूरे दे रहे थे क्या? अरे 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 नहीं बेटा, असल में एक ही टॉयलेट बचा था वो इन्होंने ले लिया। क्या आखिरी टॉयलेट बचा था? एक सेकंड में इनसे पूछ लेता हूँ। अरे भाई साहब यार मुझे टॉयलेट की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि मेरे घर के अंदर टॉयलेट था जो टूट चुका है और उसकी ऐसे ऐसी हो चुकी है, क्या प्लीज आप दूसरा टॉयलेट ले सकते हो कोई और दुकान से? अरे क्यों, हम क्यों कोई दूसरा टॉयलेट ले, तुम लो ना जाकर। अरे भाई यार माफ करियो, मेरी बीवी थोड़ी खतरनाक है, भाई साहब माफ करियो, हम आज ही टॉयलेट लेके जाने वाले हैं क्योंकि हमारा बेटा है ना। अंकल अंकल टट्टी करोगे आपके मुंह पर? ये देखो कितना बदतमीज है यार, जी का टट्टी करता रहता है, इसने पूरा घर गंदा कर दिया, आज हम टॉयलेट लेके जाएंगे। भैया माफ करना, हम नहीं छोड़ेंगे इस टॉयलेट को। क्या यार तुम लोग लेके जाने वाले इस टॉयलेट को? अबे भाई साहब फिर ये क्या रख रखा है तूने? अरे भाई साहब टॉयलेट तो सिर्फ एक है, वो बगल में जो रखे है वो तो ऐसे शो पीस के लिए, उसके अंदर टट्टी नहीं कर सकते। अरे सुमित भैया मतलब हम लोग बिना टॉयलेट के जाने वाले हैं, ये कहना चाहते हो क्या तुम? बता दो मेरे को, मैं अभी पा दूंगा। तो गाइस यार यहाँ से वो फैमिली जा चुकी जो यहाँ पर टॉयलेट लेने आई थी खरीद कर। भाई साहब और कोई टॉयलेट नहीं है तेरे पास? अर्जेंटली चाहिए हमें। एक टॉयलेट है अगर तुम्हें पसंद आए तो। अरे टॉयलेट में क्या पसंद करना है अब हमें? हाँ सुमित भैया उसका कलर काला होना चाहिए। अब चुप, टॉयलेट का कलर काला होना चाहिए, बता दे भाई कहाँ पर है? अरे इस तरफ आओ भैया इस तरफ। आया आया क्या है यहाँ पर? अरे भैया यही आखिरी पीस बचा है, ये पर थोड़ा खराब सा है, डिफेक्टिव आया था। अरे यार यहाँ पर तो सभी बहुत ज्यादा मक्खियाँ है, ये है क्या वो टॉयलेट? ओ गाइस यार ये तो ऐसा लगता है पता नहीं कितनी बार यूज किया है किसी ने। अरे ना भैया हम ऐसे काम नहीं करते, इसका कलर ही ऐसा है, हमने इसको आज तक यूज नहीं किया और पता नहीं 2 साल से अपन के पास किसी ने आज तक खरीदा भी नहीं है। भैया यही है बताओ लेना हो तो। एक काम कर यार इधर आप दोनों थोड़ा बात करते हैं टॉयलेट के बारे में, इधर आ जा। अरे गाइस यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब क्या चल रहा है, एक टॉयलेट के लिए इतनी बकवास कर रहे हैं। सुमित भैया पता नहीं उससे क्या गोली गोली कर रहे हैं, पर यार मैं क्या करूं अब। अरे सुमित भैया उस तरफ क्यों गए थे, जाके देखता हूं। ओ गाइस यार ये रहा ना एक टॉयलेट। अबे यार ये टॉयलेट तो बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है सही में, ये वाला टॉयलेट तो हम लोग नहीं खरीदेंगे। पर गाइस यार क्या करूं अब, मुझे बहुत तेज पोटी आ रही है, कोई जगह भी नहीं दिख रही करने के लिए, और ये टॉयलेट तो पहले से गंदा है, इसको और गंदा कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम है। चलो इसके अंदर ही कर लेता हूँ बैठ कर जल्दी सी पोटी। अरे दोस्तों ये क्या हो गया इस टॉयलेट के साथ, इसके अंदर तो मस्त लाइटें चस रही है, दिखने में तो बहुत गंदा था पर कितना खूबसूरत लग रहा है। चलो यार मुझे टट्टियारी में कर ही लेता हूँ जल्दी सी। अरे सुमित भैया ये देखो मेरे साथ क्या हो गया, सुमित भैया यहाँ देखो जल्दी सी। अरे कौन मार रहा भाई, बहुत बुरी मारी, कौन है? अरे सुन रहे यहाँ देखो ये मेरे साथ क्या हो गया। अबे सिंचेक्टर टॉयलेट के अंदर क्यों घुस गया? अरे सुमित भैया मैं नहीं घुसा, इसने मेरे को अपने अंदर घुसा लिया। मतलब क्या कहना चाहता है तू? अरे सुमित भैया पता नहीं ये टॉयलेट के अंदर में टट्टी करने जा रहा था और इसने मेरे को खुद के अंदर घुसा लिया। अबे भाई साहब क्या बकवास कर रहा है, बाहर निकल इससे। अरे सुमित ट्राई करके देखो। अरे यार ये तो बाहर भी नहीं निकल रहा है, अब आखिर ये क्या बकवास है यार। अरे सुमित भैया कुछ तो करो भाई, मुझे नहीं पता। ओए ये क्या किया तूने, ये क्या है, क्या बकवास है तेरे टॉयलेट के अंदर, ये क्या मेरा भाई फंस गया? अरे भैया हमने कुछ नहीं किया, हमने आज तक इसको यूज नहीं किया, तुमने इसको यूज कर लिया। अरे यार सिंचन तूने इसको क्यों यूज किया, पता नहीं कब से रखा था ये टॉयलेट। अरे सुमित भैया मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे को टॉयलेट बना दिया, अगर मैं टॉयलेट बनाऊं तो इसको भी बनाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। अरे हमने कुछ नहीं किया भैया, तुमने खरीदा है, हमें टॉयलेट मत बनाना। ओए सिंचन रुक। अरे सुन रे इसको टॉयलेट बनाकर छोड़ूंगा, बस तुम अब देखते जाना, अभी रुक बेटे तेरी ऐसी तैसी। अरे गाइस यार सिंचन उस आदमी के साथ कहां
कहाँ भाग गया पागल, उसको कैसे टॉयलेट बनाएगा वो। अबे कहाँ चला गया सिंचैन, अबे और कहीं से खरीद लेंगे टॉयलेट और तेरे को सही करने का जुगाड़ भी ढूंढ लूंगा। अबे कहाँ गया ये, अबे शायद ये रहा हूँ। अबे सिंचैन, हाँ सिमट भी है। अबे वो आदमी कहाँ पर चला गया। अरे सिमट भी है, ये जो सामने वो ही है ये आदमी। क्या अबे ये क्या लफड़ा है। अबे तूने इस आदमी को टॉयलेट कैसे बना दिया। अरे 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 तुम भी बन जाओ टॉयलेट, तुम भी बन जाओ टॉयलेट। हाँ सिमित भैया तुम भी हमारी तरह टॉयलेट बन जाओ, बहुत मजा आएगा। नहीं 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 यार, मेरे को टॉयलेट वॉलेट नहीं बनना, मैं इंसान ही काफी हूँ। ठीक है सिमित भैया, अगर तुम्हें टॉयलेट नहीं बनना तो कोई बात नहीं, चला जाए टॉयलेट, हम लोग निकलते हैं यहाँ से जल्दी सी। हमें अभी बहुत सारे लोगों को टॉयलेट बनाना है, चलो हल्ला बोलो, हम पूरी दुनिया को टॉयलेट बना देंगे, हम पूरी दुनिया के अंदर टॉयलेट टॉयलेट फहरा देंगे। गाइस यार सिंचैन असल में सिंचैन टॉयलेट बन चुका है, और वो मुझसे भी पूछ रहा था क्या मुझे सुमित टॉयलेट बनना है, और भाई मैंने मना कर दिया। और गाइस यार वो पता नहीं कहां भाग गया, बोल रहा था गाइस यार पूरे लॉस सैंटोस वासियों को टॉयलेट सैंटोसियो बना देगा। गाइस यार मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा, आखिर वो गया किस तरफ है, तुम लोगों को पता है क्या। गाइस यार मैंने पता नहीं यार सिंचैन को कहां कहां नहीं ढूंढा, पर यार अब मैं आज को यहां पर, ये असल में खाली जगह है, यहां पर असल में पहले कंपनियों का काम होता था, और यहां पर कई भाई भूत भूत का सीन हो गया, तो यहां पर इसलिए खाली करके भाग गए लोग, यहां पर कोई नहीं रहता शायद। यार सिंचैन क्या पता यहां पर आए खाली जगह पर, अभी जाकर देखता हूँ। ओ गाइस यार एक सेकंड, देखो वहां पर गाइस यार वो रहा सिंचैन, और उसके साथ कुछ आदमी भी खड़े हैं, और वो देखो उसके पीछे वो टॉयलेट्स भी है। जाके देखता हूँ पास, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है गाइस, आखिर ये सब क्या माजरा भाई, यहाँ से तो अंदर ही नहीं जा पा रहा, यहीं से सुनता हूँ आखिर क्या चल रहा है। और मेरे दोस्त कैसे हो सभी के सभी, मेरा नाम है टॉयलेट सिंचैन, और ये मेरे दोस्त है, इनका नाम है स्केबिडी टॉयलेट्स, और आज हम तुम्हें मिलके बनाने वाले स्केबिडी केबिडी टॉयलेट, जिससे तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। हाँ हाँ मुझे बना दो। हाँ मुझे बता दो, मुझे भी वैसे इंसान बनने में कोई मजा नहीं आ रहा। अरे भाई मेरे को लगा कोई फ्री में पैसे बांट रहा है, तुम तो ये क्या टॉयलेट वाली बकवास कर रहे हो, मुझे नहीं बनना कोई टॉयलेट वॉयलेट। अगर तुम टॉयलेट नहीं बनोगे तो हम जबरदस्ती बना देंगे, इस आदमी ने हमें मना किया था टॉयलेट बनने से, अब हम इसे जबरदस्ती मार कर बनाने वाले हैं। मतलब सिंपल सा फंडा है, जो यहाँ पर एक बार आ गया वो बिना टॉयलेट बने जा नहीं सकता, हर कोई बनेगा। बना दो। अबे गाइस यार आखिर ये क्या मुसीबत मोल ले लिया हमने। गाइस यार ये टॉयलेट तो किसी वायरस की तरह सबको यार टॉयलेट में चेंज किए जा रहे हैं, पहले सिंचैन को चेंज किया और उसके बाद उस आदमी को, अब देखो यहाँ पर कितने सारे लोगों को ये जबरदस्ती टॉयलेट के अंदर चेंज करना चाहता है। भाई ऐसे तो पूरी दुनिया को टॉयलेट में चेंज कर देंगे। अरे लगता है कोई है वहाँ पर, जाओ उसे पकड़ के लाओ, छोड़ेंगे नहीं। अरे गाइस यार ये लोग तो मेरे पीछे भी पड़ गए, मुझे भागना पड़ेगा। एक काम करता हूँ इसके अंदर से निकल के भाग जाता हूँ, ये लोग मेरे को पकड़ भी नहीं पाएंगे, उछल थोड़ी सकते हैं टॉयलेट है तो। हाँ जैसा, और शिट यहाँ से निकल के भाग गया। ओ भाई भागो। गाइस यार ये मुझे भी टॉयलेट बना देंगे, मुझे पर टॉयलेट नहीं बनना। गाइस यार मेरे को छुपना पड़ेगा कहीं पे जाकर, जल्दी से कहां जाऊं, जल्दी भागो यार भागो, ये अच्छे पीछे पड़ गए मेरे। गाइस यार अभी मैं छुप के यहाँ बैठ चुका हूँ, और यहाँ पर सही में बहुत सारे रास्ते, और मुझे नहीं पता किस साइड जाना चाहिए, क्या पता यहाँ से अगर मैं झागूंगा क्या पता वहां पर उसी साइड वो टॉयलेट वाले बंदे खड़े हो, मैं क्या करूँ। गाइस यार यहाँ पर मैं फंस चुका हूँ, क्या करूँ। मेरी बात सुनो। अबे ये कौन बोला, मेरी बात सुनो यहाँ पर ऊपर। अबे कौन बोल रहा है। या अरे ये कैमरे में से। हाँ मैं बोल रहा हूँ। ये कैमरा कैसे बोल रहा है। अरे ज्यादा चौंको मत, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अरे प्लीज यार मेरे को उस टॉयलेट से बचा लो। एक काम करो जल्दी से इसके अंदर घुस के बैठ जाओ। ओके ठीक है जैसा तुम कह रहे हो। ओ चलो गाइस यार इसके अंदर जल्दी से यहाँ पर छुप के बैठ जाता हूँ। हाँ ये एकदम परफेक्ट जगह है। ओ गाइस यार देखो ये रे सामने वो टॉयलेट मॉन्स्टर्स। अबे गाइस यार वो तो सही है, मैं इसके अंदर आके छुप के बैठ गया, वरना ये तो मेरी बैंड बजा देते। लगता है वो यहाँ से चला गया, भाग गया। छोड़ो वापस चलते हैं यहाँ से। अब तुम बाहर आ सकते हो, आ जाओ, गए वो यहाँ से। ओ चलो गाइस यार बार बार बच गया, शुक्रिया कैमरा। भाई ये क्या है भाई कैमरा, पता नहीं क्या है। ओ चलो मैं चलता हूँ, आपका शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। रुको। हैं क्या हो गया, क्या चाहिए आपको। अब तुम्हारा यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों। क्योंकि वो टॉयलेट मॉन्स्टर एक वायरस की तरह है, वो हर इंसान को टॉयलेट बनाना चाहता है। मैं तुम्हें कहानी बाद में बताऊंगा, तुम मेरे साथ चलो, लॉस सैंटोस बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, चलो मेरे साथ वापस इसके अंदर चढ़ो। कहाँ पर। उसी के अंदर। ओ आता हूँ। क्या है यहाँ पर। यहाँ पर एक पोर्टल है। ओ गाइस यार ये क्या चीज है। अबे तुम मेरे को फंसा तो नहीं रहना। नहीं मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, आना तो आओ, अपनी ऐसे ऐसी कराओ। ठीक है चलो यार, वरना सिंचैन तो मेरे को ढूंढते हुए आ ही जाएगा। चलो इसके अंदर ही चलता हूँ। गाइस यार
ये मैं कहाँ पर आ गया? अरे भाई साहब एलियंस ने मुझे पकड़ लिया। अरे बचाओ बचाओ, एलियंस ने मुझे पकड़ लिया। अरे मेरी बात सुनो। ये कौन बोला? अरे यहाँ पर। अरे कौन बोल रहा है? अरे कहाँ पर? अरे यहाँ। ओ गाइस यार, पता नहीं मैं ये कहाँ पर आ गया। ओ गाइस यार, यहाँ पर ये कितने सारे कैमराज है। ओए यहाँ पर वो टॉयलेट रहा वैसे ही। ओए भागो यहाँ से। अरे मेरी बात सुनो, मैं कौन बोल रहा है? यहाँ देखो यहाँ। अरे गाइस यार, हाँ बोलो बोलो। अभी यार ये तो वैसे ही कैमरा है। अरे टेंशन मत लो, वो टॉयलेट मर चुका है। मतलब क्या बोलना चाहते तुम? मतलब वो असल में एक टॉयलेट मॉन्स्टर है। क्या? और तूने उसको यहाँ पर रख रखा है? डरो मत, मतलब हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे ये पता लगेगा आखिर वो क्या चीज है। अच्छा, मतलब ये मर चुका है। मैं तो इसके पास नहीं जाने वाला वैसे। अरे ये सब क्या चल रहा है, मुझे समझाओ। और तुम कौन हो? और ये टॉयलेट मॉन्स्टर कौन है? और मेरे सिंचन भाई को उसने क्यों पकड़ा है? कुछ तो बताओ मेरे को। मैं तुम्हें बताता हूँ सारी सच्चाई। असल में टॉयलेट मॉन्स्टर एक खतरनाक वायरस की तरह है। उसका एक मुखिया है जिसका नाम है स्केबडे टॉयलेट्स। उनको हम स्केबडे टॉयलेट्स भी बोलते हैं। और जो वो स्केबडे टॉयलेट जो सबसे ज्यादा बड़ा है ना, वो तो ताकतवरी कुछ अलग लेवल पे है। वो अपनी एक सेना बनाना चाहते हैं जिससे वो पूरे के पूरी इंसानियत को खत्म कर दे और उनको ये बता सके कि टॉयलेट की भी इज्जत होती है। और अब वो अपनी फौज बना रहा है जिससे वो पूरी इंसानियत को एक टॉयलेट के अंदर तकदीर कर दे। टॉयलेट को अंदर तकदीर हो जाऊंगा? मतलब मैं एक दिन टॉयलेट बनने वाला हूँ? नहीं, मेरे को नहीं बनना। अरे बात सुनो। क्या? और वैसे तुम कौन हो और ये क्या सब क्या है? मैं भी असल में एक इंसान हूँ। फिर तुम्हारा शरीर कहाँ है? तुम कैमरा में से क्यों बोल रहे हो? ये मेरा असली शरीर नहीं है। मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। अगर तुम मेरा असली शरीर देखना चाहते हो तो मेरा विश्वास जीतना होगा तुमको। ओके, ये सब मुझे समझ में आ गया। पर तुम्हारा क्या रोल है? तुम क्या करने वाले हो? हम उसे कैसे रोक सकते हैं? क्या करने वाले हम लोग? मेरा नाम है कैमरामैन और मैं स्केबडे टॉयलेट्स का दुश्मन हूँ। और मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ जिससे तुम और मैं मिलके इन सभी स्केबडे टॉयलेट्स को मार डाले। क्या तुम मेरी मदद चाहते हो? हाँ, क्योंकि तुम्हारा भाई भी एक टॉयलेट बन चुका है। क्या तुम उसे वापस इंसान नहीं बनाना चाहते? हाँ, उसे मैं वापस इंसान तो बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एक कैमरामैन बनना होगा। मुझे एक कैमरामैन बनना होगा? ओके। ए, गाइस ये क्या कर दिया? ओ, मेरा फेस कहाँ चला गया? और ये कैमरा मेरे मुंह पर क्या कर रहा है? इसे हटाओ हटाओ हटाओ। अरे डरो मत, ये असल में मैंने तुम्हें कैमरामैन बना दिया है। क्या? तो गाइस यार, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इनमें से एक कैमरा का यूज करके मुझे कैमरामैन बना दिया गया है। अब तो गाइस यार, अब मुझे टॉयलेट मॉन्स्टर को हराना होगा और अपने सिंचैन को वापस, और अपने सिंचैन भाई को वापस सिंचैन बनाना होगा। गाइस यार, आज तुम्हारा भाई अपने भाई को बचा के रहेगा। चलो, जाने का रास्ता कहाँ से है? अभी जाता हूँ मैं। अरे रुको, वहाँ से? अच्छा वहाँ से है, तो चलो गाइस यहाँ से जल्दी से निकलते बाहर। सिंचैन, मैं आ गया तुझे रोकने के लिए। रुक जा मेरे भाई, ये टॉयलेट तेरे दिमाग के ऊपर हावी हो रहा है, ये तेरा दिमाग खराब कर देगा। अरे समित भैया, दिमाग मत लगाओ ज्यादा। और ये क्या, तुमने टीम बदल ली? क्या टीम बदल ली? अरे समित भैया, मुझे पता है तुम कैमरामैन के साथ हो। ओ गाइस यार, ये इसको कैसे पता चला? तेरे को किसने बताया? अरे समित भैया, स्केबडे टॉयलेट के मुखिया ने। तुम हमें मारना चाहते हो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तू कर भी क्या सकता है? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे समित भैया, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें हरा सकते हो? मैं तुम्हें भी एक टॉयलेट बना दूंगा तुम्हारी मर्जी के खिलाफ, जबरदस्ती चाहे। शायद तुझे पता नहीं, मैं एक कैमरामैन बन चुका हूँ। कैमरामैन टॉयलेट मॉन्स्टर से हमेशा ताकतवर, और तू तो अकेला है बेटे। मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। किसने बोला कि मैं अकेला हूँ? इसका मतलब क्या है कि तू अकेला नहीं है? देखो समित भैया, देखो समित भैया, मेरी फौज। किसने बोला कि मैं अकेला हूँ? ये सब मिलके तुम्हें मारेंगे। अटैक। तू अपनी पूरी फौज लेके आए, पर तू ये मत सोच कि मैं तुझसे डर गया। मैं एक कैमरामैन हूँ, मैं सबको मार के तुझे लेके जाऊंगा। सिंचैन, मैं दिखाता हूँ कैमरामैन की पावर। ये ले मेरे कैमरा लेजर्स। ये सबको मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तेरे सारे छटपुलियों को मार डालूंगा मैं। भागो यहाँ से, निकलो। अरे समित भैया, तुमने तो मेरे सारे सारे सिपाहियों को मार डाला। तुम तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो। मैंने बोला ही था सिंचैन, तुम मुझसे पंगा नहीं ले सकता। मैंने तेरे को पहले ही बोला था। देख अभी तुम कैसे बताता हूँ। ये ले, एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ये ले, सबको मार डालूंगा। ये ले। ये तुझे क्या लगा कि मैं यहाँ पर ऐसे ही आया हूँ? मेरे पास कैमरामैन की पावर से, कैमरामैन से ताकतवर कोई भी नहीं। ये बचा तेरा आखिरी सिपाही, इसकी भी ऐसी। ये ले, लेजर्स मेरी। इसको भी मैंने मार डाला। सिंचैन, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मैं तुझे मारना नहीं चाहता। चुपचाप मेरे साथ आ जा, मैं तेरा उपाय ढूंढ लूंगा तेरे को वापस इंसान बनाने का। बहुत हुआ सुमित भैया, अब मैं बताता हूँ। अब तुमने मारा, मैं तुम्हें मारूंगा। ये लो, तुमने मेरे सारे सिपाहियों को मार डाला, मेरी पूरी सेना को।
गाइस यार ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उनके पास तो कुछ पावर नहीं थी। पर गाइस यार सिंतन जो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है सेमी। ओ भाई इसने तो मेरी बैंड बजा दी। लो समित भैया किलर, तुमने मेरी सेना को मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ, चलो सुमित भैया तुम्हें थोड़ा घुमा के लाता हूँ। ओ भाई यार, अरे अरे ये तो फेंक फेंक मार रहा है मेरे को। अरे भाई सिंतन छोड़ दो भाई प्लीज। समित भैया तुमने मेरे को गुस्सा दिला दिया, अब मैं यहाँ पर भी तबाही बचाऊंगा और तुम्हारे ऊपर भी। समित भैया मैं तुम्हें अभी जिंदा छोड़ रहा हूँ अपने भाई की नाती, पर अगली बार मुझसे पंगा लिया ना तुम्हें, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। ठीक है ना, आगे से कभी पंगा मत लेना मुझसे, जा रहा हूँ अभी तो जिंदा छोड़कर तुम्हें। ओ गाइस यार ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है यार, सोचो सिंचैन इतना ताकतवर था तो गाइस यार जो उनका बॉस होगा वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा यार। इसने मुझे कितना बुरा मारा है, लगता है मेरी हड्डी पसली टूट गई। जाके यार कैमरामैन से बात करता हूँ कि ये तो सेमी बहुत ज्यादा ताकतवर है, इनको रोकना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल भाई। अरे कैमरामैन, अरे कहाँ पर भाई साहब? भाई वो सिंचैन तो बहुत ज्यादा ताकतवर था, मैंने नॉर्मल टॉयलेट्स को तो मार डाला पर सिंचैन ने मेरे को बहुत मुरा मारा। भाई जान बची बार बार, जो तो उसने मेरे को जिंदा छोड़ दिया, हम उसे नहीं हरा सकते, टॉयलेट बहुत ज्यादा ताकतवर से, हम क्या करेंगे? सुमित तुमने साबित कर दिया कि मैं तुम्हें और ज्यादा शक्तियाँ दे सकता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लिए मार खाई और तुम भी मेरी तरह हराना चाहते हो टॉयलेट मॉन्स्टर को। क्या मतलब तुम ये कह रहे हो? जब से तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं था कि मैं तुम्हारी टीम में भी हूँ या नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा सच्चे आदमी हो, मेरे को लगा क्या पता तुम भी टॉयलेट मॉन्स्टर के साथ मिल जाओ, क्योंकि तुम्हारा दोस्त टॉयलेट मॉन्स्टर के साथ है ना, वो सिंचैन नाम का। हाँ ठीक है वो तो मुझे समझ में आ गया, फिर आखिर हमारा प्लान क्या है वो तो बताओ। मैं तुम्हें और ज्यादा शक्तियाँ देने वाला हूँ जिससे तुम और ज्यादा ताकतवर होने वाले हो, ये लो। अरे गाइस ये क्या? ओ भाई अब देख रहे हो मेरे सिर के ऊपर तीन तीन कैमरे आ चुके हैं। ओहो क्या मेरी जिंदगी बढ़ गई क्या? अरे जिंदगी नहीं, अब तुम्हारी ताकत बढ़ चुकी है, अब तुम ज्यादा ताकतवर हो। पहले तुम्हारे अंदर एक कैमरामैन की ताकत थी, अब तुम्हारे पास तीन तीन कैमरामैन की पावर से। मतलब अब यार मैं सिंचैन को हरा सकता हूँ गाइस यार, इसका मतलब तो यही है ना? हाँ यही है इसका मतलब। ओ गाइस यार अब मैं सिंचैन को छोड़ने वाला नहीं हूँ, आ रहा हूँ टॉयलेट मॉन्स्टर्स, तुम सबको मार डालूंगा। तो गाइस यार अगर आप लोग चाहते हो इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आया हूँ तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो पार्ट 2। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार भूले बैठ के आए तो यार से सब्सक्राइब कर देना, हम मिलेंगे इसके नए गेम प्ले में, जब तक के लिए सायोनारा। We're just getting started, I know that you want it, baby just get on it, ready to go. We know how to party, pull out the Bacardi, feel it in my body, put on a show, yeah.